everyone. Good morning. This is Paulami and welcome to my channel by Pukil Zindagi. कैसे हो आप सब? Hope you all are doing well. मैं भी अच्छी हूँ. सुबह सुबह आज ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम है. उठ गई मैं और फ्रेश होके अभी किचन में आई हूँ. तो किचन में आके सबसे पहले मैंने फ्रिज से जो मछली था मेरा वो निकाला और सलामी वगैरह फ्रिज में था वो सब निकाला. उसके बाद थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रखा और अभी जो फिश है उसको मैं थोड़ा पानी में भिगा दूंगी, क्योंकि पूरा ठंडी के टाइम में बर्फ जम के रहता है, तो इसलिए पानी थोड़ा डाल के इसको डिफ्रोस्ट कर लूंगी, तो बाद में लंच बनाने के टाइम मेरा काम में आएगा. और इधर मैंने चिकन सलामी बाहर निकाल लिया है, सैंडविच बनाना है आज मुझे, तो चिकन सलामी को भी मैं थोड़ा सा डिफ्रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ. अभी मैं नया नया शुरू की हूँ, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में मैं थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा हनी डाल के मैं ये लेती हूँ. सुबह हर सुबह मैं कोशिश करती हूँ एक ग्लास लूँ, तो वही मैं अभी बना रही हूँ. बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए. एक तो आपका फैट रिड्यूस होता है, दूसरा एक डिटॉक्स वाटर के टाइप आप यूज़ कर सकते हो इसको. बहुत अच्छा है एम्प्टी स्टमक में ये लेना, तो वही मैं अभी पहले लूँगी, उसके बाद बाकी का ब्रेकफास्ट वगैरह धीरे धीरे बनाऊँगी. अभी बारी है ब्रेकफास्ट बनाने का, तो इसके लिए मैं यहाँ पे चिकन सलामी को पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के पैन में हल्का सा फ्राई कर लूँगी. तो सलामी फ्राई कर लेने से खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और जब तक ये फ्राई हो तब तक मैं ब्रेड में चीज़ स्प्रेड जो है उसको लगा लेती हूँ. तो चीज़ स्प्रेड दोनों तरफ से लगा के बीच में सलामी रख दूँगी, और उसके बाद इस ब्रेड को मैं बटर के साथ थोड़ा सा सेक लूँगी, तो बहुत ही टेस्टी एक सैंडविच बनता है. और मुझे और मनोजीत दोनों को ही सुबह ब्रेकफास्ट में ये लेना पसंद है. जनरली हम लोग डिफरेंट ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह, कभी पोहा बना लिया, कभी सैंडविच बना लिया, कभी मैगी बना लिया, कभी नूडल्स बना लिया. तो मैं कोशिश करती हूँ डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाऊँ, ताकि एक होता है ना खाने में भी अच्छा लगे और इंटरेस्ट बना रहे इसलिए. तो ये देखिए आपके साथ बातें करते करते मेरा सैंडविच बन भी गया. तो अभी मैं हल्का सा बटर पैन में डाल रही हूँ और उसके ऊपर ये ब्रेड रख के दोनों तरफ से सेक लूँगी, तो क्रिस्पी भी हो जाता है बाहर से और खाने में बहुत टेस्टी होता है. हमारा ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म चाय और सैंडविच, तो अभी हम दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो अच्छे से हम लोग सलामी से, चिकन सलामी और ब्रेड से कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट. ये देखिए कैसे चाव से हमारी पत्नी खाना खा रही है. अभी दोपहर का टाइम है, नहा के आ चुकी हूँ मैं और अभी पूजा कर लेती हूँ. सबसे पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद लंच वगैरह करूँगी. बाकी का सारा काम मेरा हो चुका है, तो पहले पूजा करूँगी और उसके बाद थोड़ा रेडी होके फिर लंच करूँगी.
अभी थोड़ा मैं रेडी हो जा रही हूँ और क्रीम वगैरह थोड़ा लगा लूँगी, क्योंकि ठंडी के टाइम में ना बहुत ड्राई स्किन होता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा क्रीम वगैरह लगा के रखूँ, तो एक बॉडी मॉइस्चर रहता है और अच्छा भी लगता है। तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी, लंच करना है। काफ़ी लेट भी हो चुका है, सारा काम करके आते आते ना आज मुझे काफ़ी लेट हो गया है, तो इसलिए अभी लंच वगैरह करना है जल्दी से। हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट किया, लेकिन आप लोगों के साथ वन टू वन एक बार भी बात नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से काम पे लगी हुई थी और सोचा कि ब्लॉग बनाती जाती हूँ, बाद में जब टाइम मिलेगा तो बात कर लूँगी। तो ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग मुंबई से छुट्टी से आने के बाद। एक हफ्ता हो गया है मैं मुंबई आई हुई हूँ, लेकिन बीच में मैंने कोई शूटिंग नहीं किया। एक तो इसलिए कि वहाँ पे बहुत सारा वीडियो बना के आई थी, तो मैं चाहती थी सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसलिए, और दूसरा तबीयत भी उतना अच्छा नहीं था। मोनोजीत का भी तबीयत अच्छा नहीं है, मेरा भी नहीं है, बुखार है, तो इसलिए वो शूटिंग वगैरह नहीं कर पाई मैं। और मनोजीत का तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो और कुछ दिन करेगा, तो उसका तबीयत अभी पहले से बेटर है, तो बुखार तो अभी हर किसी को हो ही रहा है, कोविड हो चाहे वायरल फीवर हो, बुखार तो आता ही है, तो वही उसका तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था, मेरा भी था। अभी भी खांसी वगैरह है मुझे, लेकिन अभी थोड़ा मैं भी ठीक हूँ, तो सोचा कि अभी नया ब्लॉग नए साल में शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ, वही मेरा पुराना डेली रूटीन। तो आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, और उसके बाद लंच में आज मैंने फ़िश लाई थी कल मैं बाज़ार से, तो फ़िश वगैरह लेके आई हूँ, तो उसी का करी बनाया। दिखाती हूँ मैं आज लंच में क्या क्या बना है। तो लंच जल्दी जल्दी से बना लिया इसलिए शूट नहीं किया, और अभी मतलब सिर्फ राइस बनाना है। नहा धो के मैं आ गई, पूजा भी कर लिया, अभी राइस हो जाएगा और उसका भी काम थोड़ा कम हो जाए तो हम लोग लंच कर लेंगे। तो चलिए आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि आज लंच में मैंने क्या क्या बनाया है, बहुत ही कम बनाया है, लेकिन जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए लंच में बनाया है आज मैंने ये फिश और सीम डाल के एक करी टाइप, और यहाँ पे बैंगन आलू डाल के एक सब्जी टाइप मैंने बनाया है। तो यही सिंपल सा हम लोगों का आज लंच है। लंच हो गया तो मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ, और जो भी बर्तन गंदा हुआ है वो सब अभी धो के साफ़ कर लूँगी, उसके बाद कुछ देर रेस्ट करूँगी और एडिटिंग वगैरह करना है वो सब करूँगी, और बाद में शाम हो जाए तो बाकी का जो भी काम है वो सब करूँगी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल ज़िंदगी।